तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस विद हिंदी मीनिंग्स। तो आज का टॉपिक आपका यूपीपीसीएल के एग्जाम के इंग्लिश सब्जेक्ट में है। तो इंग्लिश में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो किस तरीके से आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ना चाहिए जिससे आपको उनकी हिंदी मीनिंग क्लियर हो और आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सको। तो इसलिए मैंने आपको कुछ वीडियो में इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियम्स एंड फ्रेजेस कराए हैं, जिसमें उसके साथ ही मैंने उसकी हिंदी में मीनिंग क्या होगी वो भी समझाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, एट द मर्सी ऑफ गॉड। एट द मर्सी ऑफ गॉड मतलब भगवान की दया पर। इसका एग्जाम्पल भी देखी दिया है मैंने, द पेशेंट इज रियली इन वेरी बैड कंडीशन, ही इज एट द मर्सी ऑफ गॉड। अगर आपको ये बोलना है कि कोई जो मरीज है वो भगवान की दया पर ही चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, द पेशेंट इज रियली इन वेरी बैड कंडीशन, ही इज एट द मर्सी ऑफ गॉड। चलिए नेक्स्ट कौन सा है, देयर इज नो हेल्प फॉर इट। अब कुछ नहीं हो सकता, जब आपको बोलना होगा कि अब कुछ हो नहीं सकता है, कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, तो आप बोल सकते हैं कि देयर इज नो हेल्प फॉर इट। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, देयर इज नो हेल्प फॉर इट, इट्स संडे, द बैंक्स आर क्लोज्ड। मतलब कि आज संडे है, आज कुछ हो नहीं सकता है, बैंक बंद है, आज संडे है तो आज कोई भी काम नहीं हो सकता, तब आप ये बोलोगे। ठीक है, मॉडेस्ट भी एक आपका आइडियम्स में ही आता है, तो मॉडेस्ट का सिंपल मैं मीनिंग बता रही हूँ, सालीन है आपका, इसका कहीं भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इन वेन। इन वेन मतलब व्यर्थ में चला जाना, बेकार हो जाना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, माई हार्ड वर्क वेंट इन वेन वेन माई बॉस रिफ्यूज माई प्रपोजल। अगर मेरे बॉस ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा काम व्यर्थ में चला गया। चलिए नेक्स्ट कौन सा है, आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे। मतलब कि लोग बोलते हैं कभी कोई काम के लिए पूछा जाता है कि आप ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो आदमी आंसर क्या करता है कि मुझे पता है कि क्या करना है, मैं बच्चा नहीं हूँ। उसी तरह से बोला जाएगा अगर आपसे पूछा जाए कि ये काम आप कर सकते हो, तो लोग ऐसा आंसर करेंगे कि आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, आई कैन डू दिस वर्क प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू गेट अप सब नोज, नाक में दम कर देना। ठीक है, इसमें कह रहे हैं टू गेट अप एनी बडीज नोज, मतलब किसी की नाक में दम कर देना, तो उसमें आप बोल रहे हो कि टू गेट अप एनी बडीज नोज मतलब किसी की नाक में दम कर देना। ठीक है, तो उसके लिए बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, एनी फूल और ईडियट कैन आंसर इट। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन किसी से पूछा गया और वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो वो ऐसा जवाब देगा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी कर सकता है, ये बहुत ईजी है। तो इसी का ही होता है मेन जो एडियम है, एनी फूल और ईडियट कैन आंसर इज द क्वेश्चन इज सो ईजी दैट एनी फूल कैन आंसर इट। चलिए नेक्स्ट क्या है, टू फुट द बिल। ठीक है, टू फिट द बिल, तो फुट द बिल मतलब क्या है, खर्च उठाना। इसका एग्जाम्पल क्या है, यू हैव टू फुट द बिल, आई केम टू मीट यू आफ्टर ऑल। ठीक है, तो आपको इसका खर्च उठाना पड़ेगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्या है, बैड हेयर डे मतलब मनहूस दिन। फिर से बता देती हूँ मैं, बैड हेयर डे मतलब क्या होता है, मनहूस दिन। नेक्स्ट क्या है आपका, हार्ट ट्रेंडिंग। ठीक है, हार्ट ट्रेंडिंग मतलब क्या होता है, दुखद, काफी दुखपूर्ण होता है, तो हार्ट ट्रेंडिंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, पीपल गॉट अपसेट आफ्टर लिसनिंग टू हिज हार्ट ट्रेंडिंग एक्सीडेंट। मतलब लोगों को उसकी एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद, इंसिडेंट उस खराब दुखद घटना की खबर सुनने के बाद बहुत ही खराब लगा, लोग अपसेट हो गए, उदास हो गए। ठीक है, हर ट्रेंडिंग बोलते हैं, तो हर ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है, दुखद। पीपल गॉट अपसेट आफ्टर लिसनिंग टू हिज हर ट्रेंडिंग इंसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्या है, टू ब्लो हार्ड और टू टॉक प्राउडली। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना, अगर बड़ी बड़ी बातें करने को बोलते हैं टू ब्लो हार्ड, या फिर इसका दूसरा भी सेम सिनोनिम टाइप समझ लीजिए कि दूसरा फ्रेज है टू टॉक प्राउडली। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कम ऑन यू आर आवर बॉस फॉर अ फ्यू डेज, यू डोंट नीड टू ब्लो हार्ड। ठीक है, तो बोले कि आप हमारे बॉस हो कुछ दिन के लिए, आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, टू गिव समबडी लॉन्ग रोप, किसी को ज्यादा छूट दे देना। किसी को अगर आप किसी काम में ज्यादा छूट दे देते हो, तो उसके लिए बोला जाता है टू गिव समबडी लॉन्ग रोप। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड इफ यू गिव देम लॉन्ग रोप। ठीक है, मतलब अगर आप किसी को बहुत ज्यादा छूट ले लेते हो, तो फिर वो आपको कुछ नहीं समझता है। इसका मीनिंग सिंपली यही है कि अगर आपने किसी को बहुत ज्यादा छूट दे दी, तो आपकी उस छूट का वो फायदा उठा सकता है। पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड इफ यू गिव देम लॉन्ग रोप। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दीज आर मिनट्स प्रॉब्लम, बस कुछ देर की बात है। अगर बोला जाए कि प्लीज ट्राई टू एडजस्ट, एडजस्ट कर लो, बस कुछ ही देर की बात है, तो दीज आर मिनट्स प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई टू एडजस्ट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेयर विद इन फाउल विदाउट। फेयर विद इन फाउल विदाउट मतलब मुंह पे कुछ और पीठ पे कुछ और।
ठीक है, जब आप वो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो आपके मुंह पे कुछ और बोल रहा है और पीठ पे कुछ और बोल रहा है, अलग अलग स्टेटमेंट है, तो नेक्स्ट क्या है, टू किक समबडी इन द टीथ, किसी को बहुत ज्यादा नुकसान करना उसको बोला जाता है टू किक समबडी इन द टीथ। नेक्स्ट क्या है, टॉर्च बीरर, टॉर्च बीरर मतलब क्या होता है, पथ प्रदर्शक, टॉर्च बीरर का क्या होता है, पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट क्या है, हॉलो प्रोमिसेस, हॉलो प्रोमिसेस क्या है, खोखले वादे, मतलब कोई भी नेता है अगर चुनाव में खोखले वादे कर रहा है तो उसके लिए बोला जाएगा कि द पर्सन आर डूइंग ओनली हॉलो प्रोमिसेस, दिस पर्सन इज डूइंग ओनली हॉलो प्रोमिसेस एंड दीज पर्सन आर डूइंग ओनली हॉलो प्रोमिसेस, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, ही मेक्स माई ब्लड बॉयल, ही मेक्स माई ब्लड बॉयल, मतलब ब्लड बॉयल इसमें क्या है मेन, तो ब्लड बॉयल का क्या होता है, खून खौलाना, उसने मेरा खून खौला दिया, ये बात कहकर उसने मेरा खून खौला दिया, तो इसमें आप बोलेंगे कि ही मेक्स माई ब्लड बॉयल बाई हिज हार्ट रेंडिंग इन सॉरी बाई हिज हार्ट रेंडिंग सेंटेंसेज, उसने अपनी बहुत खराब और बहुत ही ऐसे सेंटेंस से मेरा खून खौला दिया। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट अनप्लीजेंट फैक्ट, मतलब किसी चीज को अपना लेना, ठीक है, अगर ऐसा बोला जाएगा कि मैं किसी भी चीज़ में एडजस्ट कर सकती हूँ और मैं हर चीज़ अपनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ, तो ऐसे बोलेंगे कि आई एम ऑलवेज रेडी टू एडजस्ट एंड आई ऑलवेज एक्सेप्ट अनप्लीजेंट फैक्ट, मैं हर तरह की चीज़ों को अपना लेती हूँ, तो अपनाना क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट अनप्लीजेंट फैक्ट, क्योंकि अनप्लीजेंट मतलब होता है कि जो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप अच्छी चीज़ों को भी अपना रहे हो, मतलब हर तरीके से अपनाने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट क्या है, टू बीट द एयर और टू रोस्ट द स्टोन, मतलब व्यर्थ में मेहनत करना, बीट द एयर हवा को मार रहे हो या फिर एक पत्थर को तोड़ रहे हो, मतलब आप व्यर्थ में मेहनत कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, प्ले द एप, अजीब व्यवहार करना, प्ले द एप मीन्स क्या होता है, अजीब व्यवहार करना। नेक्स्ट क्या है, ईगर वेवर, सीखने के लिए तैयार रहना, ईगर वेवर मतलब सीखने के लिए तैयार रहना। चलिए नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट कैच योर हेयर, माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब पहले अपने आप को देखो तब दूसरे से बोलो, ठीक है, तो अगर कोई किसी के काम में, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, फर्स्ट कैच योर हेयर, माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब कि मैं ये दोनों को बता रही हूँ तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, या फिर वो ये बोलो कि डू योर ओन वर्क, फर्स्ट कैच योर हेयर, अपने से मतलब रखो, दूसरे को मत बोलो, तो उसी का ही सेम है, माइंड योर ओन बिजनेस। नेक्स्ट क्या है, रेड हैंडेड और फ्लैट फुटेड, ये दोनों ही सेम है, दोनों ही एक ही मीनिंग को बताते हैं, रंगे हाथों होता है, रेड हैंडेड मतलब क्या होता है, रंगे हाथों, और फ्लैट फुटेड का मतलब भी होता है रंगे हाथों, तो इसमें ऑप्शन में मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया है, रमेश वॉज कॉट रेड हैंडेड, रमेश को रंगे हाथों पकड़ा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, टू टेक ब्रेड आउट ऑफ समबडीज माउथ, किसी और के मुंह की रोटी छीन लेना, ठीक है, टू टेक ब्रेड आउट ऑफ समबडीज माउथ, तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है, इफ गवर्नमेंट कैन नॉट गिव अस एम्प्लॉयमेंट देन डोंट हैव राइट्स टू टेक ब्रेड आउट ऑफ आवर माउथ, अगर सरकार हमें एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं दे सकती तो वो हमारे हमारी रोजी रोटी तो ना ही छीने, तो रोजी रोटी छीनने का उसे कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, तो इसमें यूज किया जाएगा टू टेक ब्रेड आउट ऑफ समबडीज माउथ। चलिए नेक्स्ट क्या है, द स्टोरी मेड माई हार्ट ब्लीड, ठीक है, कोई भी घटना, कोई बातें सुनकर अगर आपका आंसू बह जाते हैं, आपके बहुत ज़्यादा आपको बहुत खराब लगता है, तो उसमें बोलते हैं कि आप खून के आंसू रोना होता है, ठीक है, खून के आंसू के लिए बोलते हैं द स्टोरी मेड माई हार्ट ब्लीड, दिस वॉज वेरी हार्ट रेंडिंग एंड दिस वॉज वेरी सोरोफुल स्टोरी एंड दिस स्टोरी मेड माई हार्ट ब्लीड, मतलब इस स्टोरी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, मैं खून के आंसू रोई, ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। इसमें जितने भी मैंने आपको फ्रेजेस दी हैं वो फ्रेजेस सारी इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्टिंग रन्स इन हिज ब्लड, खून में एक्टिंग है, मतलब कि कोई भी चीज उस रन्स इन हिज ब्लड मतलब क्या है, उसके खून में दौड़ रही है, अगर आप एक्टिंग को बोलोगे तो एक्टिंग उसके खून में दौड़ रही है, ठीक है, अगर आप सिंगिंग को बोलते हो सिंगिंग रन्स इन हिज ब्लड मतलब गाना म्यूजिक उसके खून में दौड़ता है, मतलब वो उस काम को करने में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, उसका उसको तो ये चीज मिली हुई है विरासत में, तो आपको बोलो कि एक्टिंग रन्स इन हिज ब्लड। नेक्स्ट क्या है, बैग ऑफ बोन्स, हड्डियों का ढांचा, ठीक है, किसी को बोला जाता है जो बहुत ही पतला होता है कि हाँ वो हड्डियों का ढांचा है, बैग ऑफ बोन्स है, तो इसका एग्जांपल क्या है, व्हाई डोंट यू ईट समथिंग, यू आर नॉट मोर देन अ बैग ऑफ बोन्स, आप कुछ खाते क्यों नहीं हो, आप हड्डियों के ढांचे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ग्रे मार्केट, ग्रे मार्केट किसको बोलते हैं, चोर बाजार को, ग्रे मार्केट किसको बोलते हैं, चोर बाजार को, इसका एग्जांपल देखिए, ही बॉट अ मोबाइल फोन फ्रॉम ग्रे मार्केट एंड गॉट कॉट बाय पुलिस, उसने एक फोन चोर बाजार से खरीदा और वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है, तो ग्रे मार्केट किसको बोलते हैं, चोर बाजार को। नेक्स्ट क्या है, टॉक शॉप,
काम की बातें करना, मतलब टाइम वेस्ट मत करो और सिर्फ मेरे काम की बात करो. डोंट टॉक सॉप व्हेन यू आर ऑन वेकेशन. ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, डोंट टॉक सॉप व्हेन यू आर ऑन वेकेशन, मतलब क्या है कि आज छुट्टियों पे हो तब काम की बात एटलीस्ट मत करो. ठीक है, टॉक सॉप का मतलब क्या होता है, काम की बात करना. देखिए इसमें जितनी भी आपको मैंने बताई हैं ये फ्रेजेस, ये सारी इंपॉर्टेंट है. इसको आप एक बार या दो बार अगर पढ़ लेते हो तो वो सारी आपके लिए मन में बस जाती है कि हाँ इसका मीनिंग ये होगा. एक से दो बार आपको इस वीडियो को देखना है. इसी तरह से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगी जिसमें इंग्लिश के और टॉपिक भी हैं, लाइक एंटोनिम सिनोनिम हो गए और भी जितने भी जो मेन मेन टॉपिक हैं इंग्लिश के, उससे रिलेटेड वीडियोज़ लाऊंगी. आप ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.